नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम होम्योपैथी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन एस्पिडियोस्पर्मा मदर टिंचर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों एस्पिडियोस्पर्मा की जब भी बात होती है तो आप जानते हैं कि ये मेडिसिन लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है, या ऐसे कैसे जब किसी की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होना लगे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ना लगे, या ऐसी कंडीशन हो जाए कि जब लगे कि लंग्स की वर्किंग इफिकेसी कम हो गई है किसी भी कारण से, या अस्थमेटिक जैसे सिम्टम्स या अस्थमा जैसी कंडीशंस बनने लगे, यानी सांस से संबंधित अगर तकलीफ होने लगे, किसी को सांस मुश्किल से आ रही है और इस तरह के सिम्टम्स या लक्षण आने लगे, तो उस केस के अंदर चाहे बीमारी का कुछ भी नाम हो तो वहां एस्पिडियोस्पर्मा मदर टिंचर को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ यूज किया जाता है और इसके बहुत ही अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस मेडिसिन को पढ़ने के लिए आपको जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं उसके लिए मैं डॉक्टर विलियम वॉरिक बुक जो है उसके रेफरेंस से बात करने वाला हूं। दोस्तों अगर आप होम्योपैथिक फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि डॉक्टर विलियम वॉरिक बुक जो है ये वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर विलियम वॉरिक बुक को मतलब एक फाइनल बुक माना जाता है, और इसके अंदर जो लिखा जाता है उसको ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि स्पेसिफिक है। उन्होंने जो डॉक्टर विलियम वॉरिक में जो हमारी किसी भी मेडिसिन के लिए जो लिखा जाता है उसको हम फाइनल मानते हैं, वो वहां पे एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों डॉक्टर विलियम वॉरिक के पेज नंबर 85 पे एस्पिडियोस्पर्मा मेडिसिन आपको मिल जाएगी। दोस्तों वहीं से जो उनके सेंटेंसेस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और उसको बहुत ही शॉर्ट में कि एक बेसिक आदमी कोई भी समझ सके उस लैंग्वेज में आपके साथ में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों डॉक्टर विलियम वॉरिक बुक में पेज नंबर 85 पे एस्पिडियोस्पर्मा मदर टिंचर के लिए लिखा है कि इट इज डिजिटलिस ऑफ लंग्स एंड स्टिमुलेट्स रेस्पिरेटरी सेंटर। दोस्तों ये जो सेंटेंस है इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, डिजिटलिस ऑफ लंग्स से क्या मतलब है। दोस्तों डिजिटलिस हर्ट की एक मेडिसिन है, एक दवाई है जो कि हर्ट पेशेंट्स को दी जाती है, और कोई भी ऐसी कंडीशन जब लगे कि इवन हर्ट फेल होने वाला है, हर्ट बिल्कुल काम करना बंद करने वाला है, उस कंडीशन को भी जो है डिजिटलिस नहीं आने देती है, हर्ट को फेल होने तक से बचा लेती है। तो ऐसा ही एस्पिडियोस्पर्मा के लिए लिखा है कि कोई भी ऐसी कंडीशन बन जाए, कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसा सिम्टम्स आ रहा है जहां ऐसा लग रहा है कि मतलब लंग्स बिल्कुल फेल ही हो जाएंगे, लंग्स बिल्कुल काम करने की उनकी जो वर्किंग इफिकेसी है बिल्कुल कम ही होगी, वहां पर अगर आप एस्पिडियोस्पर्मा मदर टिंचर को यूज करते हो तो ये लंग्स को फेल होने तक से बचा सकती है। दोस्तों नेक्स्ट कि इट स्टिमुलेट्स रेस्पिरेटरी सेंटर। दोस्तों रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं। ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स क्या करते हैं कि हमारे जो लंग्स फेफड़े इनके जो मसल्स है उसको एक रेगुलर मैसेज आता है हमारे ब्रेन से रेस्पिरेटरी सेंटर से लंग्स को, वहां की मसल्स को एक रेगुलर मैसेज मिलता है कि आप काम करते रहे। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए, कोई भी ऐसी बीमारी हो जाए आपके लंग्स में जिसमें कि आपके लंग्स की मसल्स की वर्किंग इफिकेसी या कैपेसिटी कम हो जाए, या आप ऐसा कहें कि आपके लंग्स जो है कम काम करने लगते हैं, उनमें चाहे पैरालिसिस तक की कंडीशन अगर आ रही है तो एस्पिडियोस्पर्मा उसको नहीं आने देती, क्योंकि आपके रेस्पिरेटरी सेंटर पे काम करेगी। रेस्पिरेटरी सेंटर आपके लंग्स के मसल्स को एक मैसेज भेजेंगे कि आप अपना काम कीजिए और आपके लंग्स की वर्किंग इफिकेसिटी बढ़ा देगी। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट देखें कि बुक में क्या लिखा है तो वहां लिखा है इट इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड एंड एक्सक्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। दोस्तों अगर इसको मैं शॉर्ट में समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड, यानी ऐसी अगर कोई भी बीमारी हो गई है या किसी भी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है वो कम हो रहा है, तो ये उसको दूर करती है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन है उसको बढ़ाती है। नेक्स्ट दोस्तों एक्सक्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो गई कि ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम हुआ है तो नेचुरली ऐसे आदमी की बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है उसका सेचुरेशन बढ़ने लगेगा। तो यानी ये CO2 के सेचुरेशन को कम करेगी, आपकी बॉडी के अंदर जो कार्बोनिक एसिड बन गया है CO2 के कारण, यानी CO2 और कार्बोनिक एसिड को आपकी बॉडी से बाहर निकालेगी और जो बॉडी के लिए अच्छी गैस जो ऑक्सीजन चाहिए आपको जिंदा रहने के लिए उसके सेचुरेशन को ये बढ़ाती है। तो आप देख सकते हैं कि एस्पिडियोस्पर्मा कितनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है लंग्स से रिलेटेड बीमारियों में। दोस्तों नेक्स्ट लिखा है कि पुल्मोनरी स्टेनोसिस। दोस्तों पुल्मोनरी यानी लंग्स और स्टेनोसिस यानी संकीर्णता, यानी अगर मैं वापस समझूं तो कोई भी ऐसी बीमारी हो जाए, कोई भी ऐसा सिम्टम्स आ जाए जिसके अंदर ऐसा लगे कि आपके लंग्स
यानी आपके फेफड़े के अंदर संकीर्णता आ गई है, आपके लंग्स छोटे हो गए, उनकी वर्किंग इफिकेसी कम हो गई है, जिसके कारण वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे क्योंकि लंग्स आपके संकीर्ण हो गए, छोटे हो गए। तो दोस्तों उस सिचुएशन को एस्पिडियोस्पर्मा मदर टिंचर दूर करता है और आपके लंग्स की वर्किंग इफिकेसी बढ़ने लगेगी, पल्मोनरी जो स्टेनेसिस है आपके लंग्स की जो संकीर्णता है उसको खत्म कर देगी और लंग्स बेटर वे में वापस काम करने लग जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट यहां लिखा है कि थ्रोम्बोसिस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, यानी कोई भी वो कंडीशन जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति की जो पुल्मोनरी आर्टरी क्या होती है दोस्तों, कि हमारी वो आर्टरी यानी खून की वो नस या वेसल जो कि आपके लंग्स को, पुल्मोनरी लंग्स को कहा जाता है, तो आपके लंग्स के अंदर जो ब्लड लेके जाती है वो आर्टरी, उस आर्टरी के अंदर खून की नस के अंदर अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए, वहां खून का थक्का जम जाए, क्लॉट हो जाए, तो उसके कारण जो है जो सिचुएशन पैदा होगी उसको ये दूर करती है, यानी उस क्लॉट को डिसॉल्व करेगी, जिससे आपके लंग्स की जो ब्लड सप्लाई किसी भी कारण से अगर वहां क्लॉट बन गया है, थ्रोम्बोसिस हो गया है, तो उसको ये दूर कर देगी। दोस्तों अगर पुल्मोनरी आर्टरी में क्लॉट बन जाए तो आप समझ सकते हैं कि लंग्स के अंदर फिर जो ब्लड सप्लाई वो डिस्टर्ब होने लगेगी, जिसके कारण लंग्स की वर्किंग इफिकेसी कम होने लगी। कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसी कंडीशन बनती है जिसके कारण पुल्मोनरी आर्टरी जो होती है वहां पे क्लॉट या थक्का जम जाएगा और जिसके कारण ब्लड सप्लाई कम होगी, तो आपके लंग्स की जो कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी, तो एस्पिडियोस्पर्मा उसको दूर करती है। दोस्तों नेक्स्ट यहां लिखा है यूरेमिक डिस्पनिया। दोस्तों यूरेमिक और डिस्पनिया, इसका मतलब ये हो गया कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको लंबे समय से कोई भी तरह की किडनी यानी गुर्दे से संबंधित बीमारी होती है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है और उनको सांस लेने में तकलीफ आती है, तो ये उसको भी दूर करती है। दोस्तों नेक्स्ट लिखा है एन इफेक्टिव रेमेडी इन मेनी केसेज ऑफ अस्थमा। दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि वो लोग जिनको कि अस्थमा जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। अस्थमा क्या है? अस्थमा बहुत सारे सिम्टम्स यानी बहुत सारे लक्षणों को एक नाम दिया हुआ है, वो है अस्थमा। तो कोई भी व्यक्ति अगर उसके अंदर इस तरह के सिम्टम्स आएंगे, कैसे सिम्टम्स अगर हम बात करें, जैसे उसको सांस फूलेगी यानी थोड़ा सा बोलेगा करेगा, बैठा है थोड़ा चलेंगे तो सांस फूलेगी, बैठे बैठे भी उनको लगेगा कि मेरा सांस फूल रहा है, उनको सांस लेने के अंदर जो है बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, जोर लगाना पड़ेगा ब्रीथिंग करने के लिए। इसी तरह से उनको बार बार अगर खांसी आ रही है, बार बार खांसी जैसा सिम्टम्स आ रहा है लेकिन खांसी के साथ कफ आ रहा है लेकिन कफ बहुत ज्यादा नहीं है, इसी तरह से ऐसे लोगों को छाती में भारीपन महसूस होगा, ऐसे लगेगा छाती पे कुछ भार रख दिया है, मेरे फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। दोस्तों इसी तरह से इन लोगों को छाती के साथ में गले में भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है, गले के अंदर भी ऐसे लगेगा मेरा सांस रुक गया, छाती से मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मेरे लंग्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, गला जो है मेरा ये प्रॉपरली इनहेल नहीं कर पा रहा हूं, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसे लोगों की हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी और अक्सर ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन लेवल है वो भी नीचे जाने लगेगा। दोस्तों ये जो सिम्टम्स होते हैं और भी कुछ सिम्टम्स इस तरह के हमको अस्थमा में भी देखने को मिलते हैं, या कोई भी व्यक्ति जिसमें इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए एस्पिडियोस्पर्मा बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि आप याद करें होम्योपैथी के अंदर बीमारी के नाम से दवाई नहीं दी जाती, उनके जो सिम्टम्स होते हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, तो अगर इस तरह के सिम्टम्स है तो वहां एस्पिडियोस्पर्मा यूज की जा सकती है। दोस्तों नेक्स्ट वहां लिखा है वांट ऑफ ब्रीथ ड्यूरिंग एग्जर्शन इज गाइडिंग सिम्टम्स। तो मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, एक्टिविटी कुछ भी कर रहे हो, तो आपको वांट ऑफ ब्रीथ हो रही। वांट ऑफ ब्रीथ से क्या मतलब हो गया दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सांस लेना है, वांट ऑफ ब्रीथ, आपको ब्रीथ करने की इच्छा हो रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि आपको सांस नहीं आ रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप चाह रहे हो आपको आराम से सांस आए, सांस लेने में तकलीफ। तो कोई भी ऐसा सिम्टम या लक्षण आ रहा है जिसके अंदर ऐसे लग रहा है कि वांट ऑफ ब्रीथ की आपको फील हो रही है, तो वहां पे एस्पिडियोस्पर्मा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें तो लिखा है कार्डियक अस्थमा। दोस्तों कार्डियक अस्थमा क्या होता है, ये यूजुअली थोड़ा एज्ड लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है, ऐसे लोग जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिनको थोड़ा हार्ट फेल्योर होने तक का रिस्क रहता है, ऐसे लोगों में क्या होता है उनके लंग्स के अंदर भी उसका जो है इफेक्ट आने लगता है, उसके अंदर क्या होगा कि लंग्स के अंदर थोड़ा एडिमा सा होने लगेगा, कंजेशन सा होने लगेगा, जिसके कारण लंग्स की वर्किंग इफिकेसी भी कम होने लगती है। तो यानी आप ऐसा कह सकते हो कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको हार्ट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है और लंग्स में भी एडिमा हो गया, कंजेशन हो गया, लंग्स की वर्किंग इफिकेसी कम होने लग गई और उस तरह के सिम्टम्स जो भी हमने डिस्कस किया, अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वहां एस्पिडियोस्पर्मा मदर टिंचर को यूज किया जा सकता है। दोस्तों ये हमने सारे मेन सिम्टम्स जो डॉक्टर विलियम बॉरी के बुक में लिखे गए एस्पिडियोस्पर्मा वो मैंने आपके साथ शेयर किए और जो एक रूटीन की लैंग्वेज है उसमें मैंने आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की। अगर आप सारांश में देखें तो हमने देखा एस्पिडियोस्पर्मा लंग्स की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये आपके लंग्स को फेल होने से बचाती है यानी उसकी वर्किंग इफिकेसी को बढ़ाती है, कोई भी तरह का इन्फेक्शन है या कुछ भी ऐसी कंडीशन हो जाए जिसके कारण लंग्स की वर्किंग इफिकेसी कम होगी, लंग्स की पैरालिसिस जैसी कंडीशन है उसको दूर करेगी,
इनफैक्ट कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें लग रहा है कि आपकी बॉडी का ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम हो गया है, कार्बन का डाइऑक्साइड का सेचुरेशन बढ़ गया है, उस लेवल को ठीक करेगी, यानी ऑक्सीजन का सेचुरेशन बढ़ाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेगी और सांस से संबंधित जितनी भी तकलीफें हमने बात की सिम्टम्स में उसको दूर करने में मदद करेगी। दोस्तों यहां मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। प्लीज किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम्स आता है तो जैसा मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं, मेडिसिन चाहे आप किसी भी पैथी के लिए, हमेशा उस पैथी के डॉक्टर साहब से डिस्कस करें और उनके गाइडेंस मिले जिससे आपको बेटर जो है मेडिसिन दी जा सके। इनफैक्ट आप जानते हो होम्योपैथी में सिम्टम्स पे मेडिसिन दी जाती है और एक ही सिम्टम्स की हमारे पास बहुत सी मेडिसिन होती है, या आप ऐसा कह सकते हैं एक ही बीमारी की होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन, तो हर आदमी के सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली उनके लिए मेडिसिन दी जाती है। दोस्तों अब हम बात करें कि कौन सी पोटेंशियम अच्छे रिजल्ट्स देती है, तो देखिए एस्पिडियोस्पर्मा मदर टिंचर रूटीन के अंदर 3x पोटेंशियम अवेलेबल होती है, मदर टिंचर में भी अवेलेबल होती है और आपको पोटेंसी 30-200 वगैरह के अंदर भी मार्केट में आराम से अवेलेबल होती है। लेकिन दोस्तों मैंने जो है मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस प्लस बुक्स में भी लिखा है कि एस्पिडियोस्पर्मा का जो बेस्ट रिजल्ट्स है वो मदर टिंचर फॉर्म में आपको मिलता है। तो एस्पिडियोस्पर्मा को क्यू या एमटी में आपको लेना चाहिए और लेने का तरीका जो इसकी स्टैंडर्ड डोज बुक्स में लिखी है वो है इसकी एवरेज 15 ड्रॉप्स आप एट ए टाइम सिंगल डोज में ले सकते हैं। एक कप होता है उसको साफ सुथरा आप धोके रख लें, जो चाय पीने वाला कप होता है, और उसके अंदर 15 ड्रॉप्स 15 बूंद आप एस्पिडियोस्पर्मा मदर टिंचर की डाल लें, फिर उसमें लगभग आधे कप से एक कप तक आप लुकवार्म थोड़ा सा गुनगुना जो पानी होता है वो डाल दीजिए और सिप बाय सिप घोंट घोंट करके दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। ये मैंने रूटीन डोज बोला, इमरजेंसी कंडीशन है तो वहां इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है, इवन आप हर एक घंटे से भी इस डोज को दे सकते हो, या जो है अगर डॉक्टर को लगता है पेशेंट की जो है कंडीशन और क्रिटिकल है तो वहां इसको हर 15 मिनट से भी रिपीट किया जा सकता है। ये मैंने आपको एक डोज बताई, बाकी पर्सन टू पर्सन पेशेंट टू पेशेंट डॉक्टर जो डिसाइड करते हैं वो बेस्ट डोज होती है। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि एस्पिडियोस्पर्मा मदर टिंचर के बारे में बेस्ट पॉसिबल जो ऑथेंटिक आपके साथ जो नॉलेज है वो मैंने शेयर करने की कोशिश की है विद बुक के रेफरेंस से। मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।